जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हरसूद क्षेत्र के आशापुर गांव में अग्नि नदी का पानी घुस गया है। अधिकांश घरों में एक मंजिला मकान पूरे डूब चुके हैं। पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब लोग ऐसी बारिश देखकर सहम गए। वहीं हरसूद क्षेत्र के घोड़ा पछाड़ नदी भी उफान पर है, जिससे 30 से अधिक गांवों की फसल डूब चुकी है। पानी का अधिक दबाव होने के कारण निचली बस्तियों में भी पानी घुस गया है। जिला प्रशासन और होमगार्ड की टीम लगातार वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रही है, उन लोगों को बचाने का कार्य जारी है। इधर खंडवा शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने 24 घंटे में इतनी बारिश कर दी कि पिछले एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया। रविवार रात से बारिश का सिलसिला सोमवार को पूरे दिन जारी रहा। 24 घंटे की बारिश ने कस्बों और गांवों में कहर बरपा दिया। चारों ओर पानी ही पानी दिखने के साथ सड़कें व गलियां तालाब में तब्दील हो गई। नगरीय क्षेत्रों में अधूरे व ओवरफ्लो नलों के कारण घरों व दुकानों में पानी भर गया। आशापुर के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कों ने नदी का रूप ले लिया है। इधर अग्नि नदी में बाढ़ आने के बाद होशंगाबाद खंडवा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बारिश के चलते आम जन जहां अस्त व्यस्त हैं, वहीं खंडवा शहर में भी लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। आशापुर के आसपास के क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण नदियों में उफान की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशन पर तहसीलदार हरसूद व तहसीलदार खालवा मौके पर पहुंच चुके हैं। राजस्व और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित भवनों में शिफ्ट करें। वर्षा के कारण जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन परिवारों को राहत दिलाने के लिए प्रकरण तैयार कर तत्काल राहत दिलाने के निर्देश भी कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने दिए हैं।